वंदना जोशी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे ये जो गुलाब जामुन की चाशनी बच गई है, तो इसका यूज हम इसमें कर रहे हैं कि आटे के मीठे शक्कर पारे आज हम बनाएंगे। तो ये हमने 250 ग्राम आटा लिया है और ये तिल है, ये सफ़ेद तिल है, और ये मोन डालने के लिए तेल है, और ये बची हुई चाशनी है, और ये तेल हमने गरम करने के लिए रख दिया है। अब सबसे पहले हम इसमें ये तिल्ली डालेंगे, और इसमें आप थोड़ा सा 2 टेबल स्पून के करीब मोन डालेंगे और इसको अच्छे से मिला लेंगे पहले, फिर चाशनी से उसनेंगे। अब ये हमने तेल जो डाला था तो ये अच्छे से मिक्स कर लिया आटे में। अब ये जो चाशनी है, जितनी ज़रूरत होगी उतनी चाशनी थोड़ी थोड़ी डाल के हम ये आटे को गूंथेंगे। ऐसे मीठी चाशनी अगर गुलाब जामुन की बन जाए तो इसके शक्कर पारे आप बना सकते हो, आटे के भी, मैदा के और रवे के भी बनते हैं तो अच्छे लगते हैं। ये अभी थोड़ा सा और चाशनी डलेगी इसमें, अगर चाशनी और बच जाती है तो फिर इसका कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, हम जैसा उसका पराठे का आटा उसनते हैं वैसा आटा उसनेंगे, थोड़ा सा और चाशनी डालेंगे नरम करने के लिए आटा। आटा थोड़ा सा कड़क है तो थोड़ी सी चाशनी हम 2 चम्मच के करीब और डाली हमने। अब इसको इससे नरम कर लेंगे चाशनी से आटे को। ये हमारा डो तैयार है, लेकिन अभी ये हाथ में चिपचिपा रहा है तो थोड़ा सा मैंने तेल लिया है ये हाथ में, और ये तेल लेके और इसको अच्छे से गूंथ लेंगे फिर, तो ये चिपकेगा नहीं और बेलने में भी फिर नहीं चिपकेगा। ये हमारा डो तैयार हो गया है। अब 5 मिनट रख के इसको फिर हम इसको बेलेंगे, और शक्कर पारे जैसे आप जैसा भी उसको शेप देना चाहे दे सकते हैं। ये आटे के हमने बराबर बराबर 2 भाग कर लिए हैं, और इसको रोटी जैसा बेलेंगे, थोड़ा थिक मतलब थोड़ा मोटा बेलेंगे, और फिर इसको चक्कू से शेप दे के काटेंगे। तो इसमें अभी हम चकले पे थोड़ा सा तेल लगा लेते हैं, जिससे ये जो हम बेलेंगे रोटी इसकी तो ये चिपकेगी नहीं। आराम आराम से बेलना चाहिए इसको, क्योंकि इसमें ये शक्कर रहती है ना, तो इसको बेलने में थोड़ा ये चिपकता है, और बिना शक्कर वाले जो नमकीन बनाते हैं वो जल्दी बिला जाते हैं, और इसमें थोड़ा आराम से बेलना पड़ता है। ये हमने इतना इसकी मोटाई रखी है, और अब इसको हम शक्कर पारे की उसमें शेप में काटेंगे। ये इतने मोटे रहना चाहिए, तो ये जब तलाएंगे तो ये और थोड़े फूल के मोटे हो जाएंगे। अभी हमारा तेल आ गया है, हम थोड़ा सा ये डाल के देखते हैं। ये आ गया है हमारा तेल, क्योंकि एकदम बहुत तेज गर्म में भी नहीं डालना है, ये ऊपर आ गया है। ये आटा हमने डाला था, ये ऊपर आ गया है। आज को हमने मीडियम रखा है, और ये एक एक करके हम इसमें डाल रहे हैं। इस तरह अगर चाशनी बच जाए तो ऐसे शक्करपारे बना लेना चाहिए, तो वो चाशनी भी वेस्ट नहीं जाती और एक अलग तरह की रेसिपी बन जाती है। जब तक हम ये हमारे ये तला रहे हैं, इसमें हमने डीप फ्राई किया, तो ये शक्करपारे हो रहे हैं, जब तक हम ये दूसरी रोटी भी बेल लेते हैं। ये अब हल्के मीडियम आंच रखी थी हमने,
और ये हल्के ब्राउन हो गए हैं और ये अच्छे तला गए हैं। अब ये तलते समय ऐसा लगेगा कि ये नरम है, लेकिन जब ये ठंडे हो जाएंगे तो अच्छे बढ़िया क्रिस्पी हो जाएंगे। ऐसे ही अब हमने दूसरा भी बेल लिया है, वो भी अब डालेंगे हम। अब ये हमने दूसरे भी बेल लिए हैं तो अब ये भी डाल रहे हैं और इनको भी ऐसे ही ये एक मिनट में एक से डेढ़ मिनट में हो जाते हैं। अब ये हमारे दूसरी बार के भी ये शक्करपारे अच्छे हो गए हैं और ये हमने निकाल लिए हैं। यदि आपको मेरा ये मीठे शक्करपारे का बची हुई चाशनी के मीठे शक्करपारे का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें।